Deadly protests sweeping across that country after the death of a young Iranian woman. People are on the streets for a sixth day of protests. It's believed those protests are good. <laughs> दोस्तों ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है इकतीस से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इंटरनेट को जगह जगह बंद कर दिया गया है और मास अरेस्ट किए जा रहे हैं दोस्तों 22 साल की माशा मीनी की पुलिस हिरासत में मौत होने के बाद से प्रदर्शन भड़क उठे ईरान की मुरालिटी पुलिस ने उन्हें हिजाब ठीक से ना पहनने के लिए हिरासत में लिया था ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में तुर्की कैनेडा यूएस समेत कई देश के लोग सड़कों पर उतर आए और ईरान के कड़े इस्लामिक कानूनों का विरोध किया ईरान के अधिकारियों का कहना है कि माशा की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई पर माशा के परिवार का आरोप है कि उसकी बुरी तरह पिटाई की गई माशा अमीनी महज बाईस साल की थी इस महीने की शुरुआत में उन्हें तेहरान में पुलिस ने हिरासत में लिया था उनका कहना था कि माशा ने हिजाब ठीक ढंग से नहीं पहना था अधिकारियों का कहना है कि माशा को दिल की बीमारी थी लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि कहानी कुछ और ही है उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां वो कोमा में चली गई और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई आज महिलाएं तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं और अपने हिजाब को हवा में लहरा रही हैं माशा कुर्द थी पर उनके लिए विरोध प्रदर्शन पूरे ईरान में हो रहे हैं माशा अमीनी का नाम आज पूरे ईरान में विरोध का प्रतीक बन चुका है ईरान में महिलाओं पर कई किस्म की पाबंदियां हैं और उन्हें इस्लामिक कानून के हिसाब से हिजाब पहनने के कड़े नियमों का पालन करना होता है जानते हैं क्या है वो नियम साल उन्नीस के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य ड्रेस कोड लागू किया गया इसमें सार्वजनिक जगहों पर हिजाब और ढीले कपड़े पहनना अनिवार्य कर दिया गया ड्रेस कोड को लागू करवाने का जिम्मा मॉरेटी पुलिस को दिया था जिसका नाम गश्त इरशाद भी है अधिकारियों को यह हक है कि वो महिलाओं को रोककर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि महिलाओं ने ठीक से हिजाब पहना है या नहीं लेकिन साल 2014 में ईरान की महिलाओं ने अपनी बिना हिजाब वाली तस्वीरें और वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया उन्होंने हिजाब नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया और इसे अपनी आजादी करार किया इससे औरतों के आंदोलन को बढ़ावा मिला जिसमें वाइट वेंसडे द गर्ल्स ऑफ रेवोल्यूशन स्ट्रीट प्रोटेस्ट शामिल हैं वैसे तो ईरान में महिलाओं को फुटबॉल मैच देखने से रोकने के लिए कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं है लेकिन उन्हें स्टेडियमों में दाखिले से रोका जाता है ईरानी क्रांति से पहले वहाँ कोई रोक टोक नहीं थी इस साल 25 अगस्त को महिलाओं ने 40 साल के बाद पहली बार आधिकारिक रूप से कोई लीग मैच देखा ईरान में महिलाओं को घर से बाहर निकलने विदेश यात्रा नौकरी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने जैसे मुद्दों पर पुरुषों जैसी अधिकार नहीं है अब दोस्तों आप जानते ही हैं कि भारत में भी एक हिजाब कंट्रोवर्सी थी जहां मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पहनने से मना कर दिया अभी वैसे ये केस सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व करके रखा है लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में राइट टू वियर हिजाब चल रहा है और ईरान में जो औरतें हैं महिलाएँ हैं वो हिजाब नहीं पहनना चाहती अब देखने से तो ये दोनों ही केसेस उल्टे लग रहे हैं लेकिन ये दोनों ही केसेस एक जैसे हैं दोस्तों दोनों ही केसेस में सरकार डिक्टेट करना चाहती है कि लोग क्या पहने जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो नहीं है औरतें क्या पहनना चाहती हैं इसमें भी आज़ादी और ना पहनना चाहें तो उसमें भी आज़ादी आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल मल्टीफ्रंट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद